Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. माननीय राष्ट्रपति ने जो सदन के अंदर पार्लियामेंट में विधेयक पारित किए गए थे उनको अनुमोदन किया है और वो बिल अब कानून बन गए हैं। हकीकत यह है कि कृषि संबंधित ये जो तीन बिल पारित किए गए थे राज्यसभा लोकसभा में, वो ऐसे विधेयक हैं जिसके माध्यम से एक बहुत घातक प्रहार देश के किसानों पर इस केंद्र की सरकार ने किया है, और जिस प्रक्रिया के माध्यम से राज्यसभा में इस बिल को पारित किया गया, हम सब ने देखा जो प्रक्रिया राज्यसभा में फॉलो करी गई, उससे साफ दिखाई देता है कि केंद्र की सरकार के पास बहुमत नहीं था। जब राज्यसभा में वोटों का विभाजन मांगा गया, तब डिप्टी चेयरपर्सन ने उसको अनसुनी कर एक तरह से ज़बरदस्ती से वो बिल पारित करवाया। उस पर समूचे विपक्ष ने इसका विरोध किया। कांग्रेस और बाकी अन्य दलों ने जब ये मांग करी कि पहले तो इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, उस मांग को रिजेक्ट किया गया, और उसके पश्चात इस बिल को ज़बरदस्ती किसानों का अहित साधते हुए जानबूझकर कोरोना की महामारी में जब अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, उस वक्त कृषक और किसान संबंधित सभी लोगों को बहुत हानि इस बिल से पहुंच रही है, ये जानते हुए भी जानबूझ के पारित किया गया। आपको याद होगा 2014 में इसी सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसको बदलने के लिए संशोधन लेकर आए थे, 5-6 बार लेकर आए, लेकिन कांग्रेस के विरोध के बाद उसको वापस ले लिया गया। अब एक तरफ तो भाजपा सरकार ने केंद्र में कहा कि किसानों की आमदनी डबल करेंगे, आमदनी दुगनी करने की बजाय आज जो लघु किसान है, 86% किसान ऐसा है जो 2-2.5 एकड़ में खेती करता है, उन लोगों को, ये बात सच है, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि APMC के साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था पैदा करें जहां गांव पंचायत के पास मंडियों का निर्माण करें। इसी सरकार ने 2020 मई में ये कहा कि देश भर में लगभग 7,000 मंडियां हैं, इन 7,000 मंडियों को ई नैम प्रोजेक्ट से हम इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ेंगे ताकि एक प्रदेश का किसान दूसरे प्रदेश में अपना फसल बेच सकता है। आप कल्पना कीजिए, राजस्थान का छोटा किसान जो 2 एकड़ में खेती कर रहा है, वो कैसे बंबई, कलकत्ता, मद्रास जाएगा, कैसे माल को लेकर जाएगा, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनके साथ जब नेगोशिएशन करना होगा, तो एक तरफ तो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है और एक तरफ 2.5 एकड़ का किसान है, और MSP का मेंशन नहीं किया। सवाल यह है कि MSP से ज़्यादा अगर आपको दाम दिलवाने हैं तो हमें कोई अब आपत्ति नहीं है, आप इतना कह दीजिए संशोधन कर कि किसान की फसल खरीदने के लिए जो व्यक्ति सामने आएगा उसको कम से कम MSP देना पड़ेगा, उसे ज़्यादा दे तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इन विधेयकों का जो विरोध आज हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, कांग्रेस पार्टी ने आज लगभग देश की प्रत्येक राजधानी में धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे हैं, और आज भी आपको मालूम होगा मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने एक ज्ञापन गवर्नर साहब को दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने निर्णय लिया है कि सभी किसानों को साथ लेकर, विपक्ष के सभी घटक दलों को साथ लेकर इस कानून का हम विरोध करेंगे, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था, देश के किसान और देश की जो कृषक, जो इकोसिस्टम है, उसको नष्ट करने पे ये कानून बनाया गया है। और इस कानून की मांग किसने करी थी भैया? तो किसान बोलते हमको ये मांग है, तो उसकी मांग को पूरी करते। अब केंद्र की सरकार के जो घटक दल थे, सबसे पुराना जो NDA का एक घटक दल था अकाली दल, जब अकाली दल के कैबिनेट मंत्री को आप समझा नहीं पाए, आप किसानों को क्या समझाएंगे? तो इस बिल और कानून का विरोध पूरे देश में हो रहा है, खुद भाजपा के घटक दल इसका विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस ने आज पूरे देश में किसानों के साथ खड़े होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया। अब इसको आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार ने एक चुनौतीपूर्ण समय में किसानों के साथ विश्वासघात किया है, आमदनी दुगनी करने का बहाना और जुमला दिखाकर एक बार फिर किसानों के साथ अनदेखी करी है। और जिस तरह सिर्फ किसान नहीं, जो मंडी में काम करने वाले लेबर है, मंडी का जो उद्योग चलाने वाले छोटे उद्योगपति हैं, या जो आड़ती हैं, या जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और ये कहना, हमारी पार्टी मानती है कि कृषि जो सेक्टर है उसमें निवेश हो,
साइंटिफिक इनपुट आए, लोग पैसा डालें और किसानों को बेहतर दाम मिले। लेकिन आप एपीएमसी और मंडी को समाप्त कर कर एक नई व्यवस्था चालू कर दें जहाँ चंद उद्योगपति अल्टीमेटली इसको पूरा मोनोपलाइज कर लेंगे, तो भारी विरोध इसका पूरे देश में हो रहा है और मैं समझता हूँ कि अंतिम दम तक कांग्रेस पार्टी इस कानून का विरोध करेगी और किसानों के न्याय के लिए हम कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को, खबरों के लिए बने रहें।